नमस्ते बाळकों, हिंदी कक्षा 5, चैप्टर है 4, सोच अपनी अपनी। तो बच्चों, आपको यहाँ पे अभ्यास दिया गया है। अभ्यास में प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 में चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, हमने चित्र के आधार पर वार्ता लेखन किया है और वार्ता का नाम है टोपी वाला व्यापारी। तो बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वार्ता दी गई है। प्रश्न 3, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे बच्चों, आपको पहला चित्र दिया गया है जिसमें व्यापारी टोकरी में टोपियाँ लेकर बेचने जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। उसके बाद आपको दूसरा चित्र दिया गया है जिसमें व्यापारी अपने सिर पर रखी हुई टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। तो हम आप देख सकते हो यहाँ पे चित्र के आधार पर क्वेश्चन दिया गया है, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? तो व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। उसके बाद आपको तीसरा चित्र दिया गया है जिसमें व्यापारी पेड़ की छांव में आराम कर रहा है। पेड़ के ऊपर कौन है? तो पेड़ के ऊपर बंदर है। उसके बाद आपको चौथा चित्र दिया गया है जिसमें व्यापारी पेड़ पर बैठे हुए बंदरों की तरफ देखने लगे, जिसने बंदरों ने व्यापारी की सारी टोपियां लेकर पहन ली थी। तो बंदरों ने टोपियां का क्या किया? तो बंदरों ने टोपियां पहन ली थी। उसके बाद आपको चित्र नंबर 5 दिया गया है जिसमें व्यापारी को एक तो व्यापारी ने एक अपनी सिर पर रखी हुई टोपी नीचे की तरफ फेंक दी, तो सारे बंदर उसको देखने लगे। तो व्यापारी ने क्या किया? तो व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। उसके बाद है चित्र नंबर 6 जिसमें व्यापारी की नकल करते हुए सारे बंदरों ने टोपियां नीचे की तरफ फेंक दी। तो बंदरों ने टोपियां क्यों फेंक दी? तो बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियां फेंक दी। जब बंदरों ने देखा कि व्यापारी ने अपनी टोपी फेंक दी, तो सारे बंदर उसकी नकल करने